दोस्तों मानुषी छिल्लर ने साल 2017 में विश्व की सबसे सुंदर लड़की का खिताब जीता था। जब दोस्तों मानुषी मिस वर्ल्ड बनी थी तब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। आज दोस्तों मानुषी अपना 22वां जन्मदिन मना रही है। मानुषी का जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। उनके माता पिता डॉक्टर नीलम प्रोफेसर और डॉक्टर मित्र बासु साइंटिस्ट है। दोस्तों मानुषी के दो भाई बहन दलमित्र और देवांगना भी है। मानुषी दोस्तों उस वक्त रातों रात स्टार बन गई थी जब 18 नवंबर 2017 को उन्होंने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब अपने नाम कर लिया था। उन्हें ये खिताब ताज प्यूरिटो रिको की नागरिक और पूर्व विश्व सुंदरी स्टेफनी डेल ने पहनाया था। अब दोस्तों अगर खबरों की माने तो मानुषी एक बेहतरीन डांसर भी है। वो कुचिपुड़ी नृत्य में पारंगत है। उन्होंने राजा और राधा रेड्डी के अलावा कौशल्या रेड्डी जैसे मशहूर डांसर से कुचिपुड़ी नृत्य की शिक्षा ली है। इसके अलावा दोस्तों उन्हें एक्टिंग, गाने और ड्राइंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मानुषी छिल्लर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। साथ ही दोस्तों उन्हें किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का काफी शौक है। दोस्तों मानुषी के पसंदीदा अभिनेता आमिर खान है। मानुषी ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 118 देशों की सुंदरियों को कड़ी टक्कर दी थी। प्रियंका चोपड़ा के बाद में भारत ने 17 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया था। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि मानुषी छिल्लर के कौन से जवाब ने उन्हें विश्व सुंदरी बना दिया। दोस्तों इस प्रतियोगिता में मानुषी से पूछा गया था कि किस प्रोफेशन को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और क्यों। उसका जवाब था कि एक माँ को सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए और जहाँ तक सैलरी की बात है तो इसका मतलब रुपयों से नहीं बल्कि सम्मान और प्यार से है। दोस्तों आज मानुषी शक्ति परियोजना नाम से एक प्रोजेक्ट चला रही है जो कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को लेकर जागरूक करने का काम करता है। मानुषी का कहना है कि हरियाणा की आन बान शान तो एक औरत ही है लेकिन औरतों को आगे आकर खुद को साबित करना होगा।